मिस्टर आसिम रुकिए, मिस्टर आसिम मेरी बात सुनिए। आप बात करनी है तो सिर्फ दो मिनट मुझे, आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते, दिस इज अगेंस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर। मुझे सिर्फ दो मिनट बात करनी है प्लीज। सर मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये फोर्सफुली अंदर आ गए। जाओ। ऑलराइट सर। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन हमारे घर के किसी भी फर्द से ना उसकी मौजूदगी से मुझे कोफ्त होती है। जाओ यहां से। आपके साथ जो भी ज्यादती हुई है उसकी सजा आप मुझे दे दें। लेकिन मेरी बहन को नहीं। आपके साथ बहुत अजियत में रही है लेकिन अब ज्यादा तकलीफ में। मुझे देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की अजियत नहीं देखी जा रही ना। क्या कभी मेरे बारे में सोचा था? मैं किस कब से गुजराऊंगा, कैसे घुट घुट के मेरा पल गुजराऊंगा? मैं जानता हूं, मैं मान रहा हूं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है लेकिन इसमें मेरी बहन का तो कोई कसूर नहीं है। और मैं आपकी जगह होता ना तो ये ना करता जो आप कर रहे हैं। जब सब कुछ जानते हो तो यहां क्या लेने आया हो? आपको समझाने आया हूं। एक बार फिर ये बताने आया हूं कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है इस सब में। वैसे ये तो तुमने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। प्लीज प्लीज मेरी बहन के साथ ज्यादती मत करें। वो प्यार करती है आपसे, आपके साथ रहना चाहती है। वो क्या चाहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे तुम? Now please leave. आलियान प्लीज। यहां से जाओ और आइंदा कभी सोचना भी मत किस तरह तुम मेरे ऑफिस में आओगे। अच्छा नहीं होगा। प्लीज एक बार मेरी बात। मैंने कहा ना जाओ यहां से और आइंदा कभी हिम्मत मत करना इतना आने की। वो मर जाएगी। मर जाए।
मेरी बहन भी तो मर गई। यहां से चली जाऊं, आपका इंतकाम पूरा ना हो, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहती। आलियान, आपने मुझे जितनी नफरत देनी है मैं हंसी हंसी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं जान गई अब दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रिता की गलती को माफ करते हैं। सजा तो नफरत में दी जाती है ना, मोहब्बत में नहीं। मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। ऐसे ही आप दोनों की खिदमत करती रहूंगी। मैं आपकी भांजी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ, सोचा फेस टू फेस आके बता दूं आपको, और साथ साथ पूछ भी लूं कि आप पार्लर कब खाली करवाएंगी। मैं पार्लर खाली नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? आप मालिक मकान है, आप पार्लर बड़े आसानी से खाली करवा सकती हैं। ये इतना आसान नहीं है। अरे तो नोटिस भेजे ना, और अगर नोटिस का जवाब नहीं आता वहां से तो आप अदालत का सहारा ले सकती हैं। प्लीज मैं खाली नहीं करवाना चाहती। क्यों नहीं करवाना चाहती? मैं आपको डबल रेंट देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ पैसा नहीं होता, कुछ इंसानियत और रवादारी भी चीज होती है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी भांजी का रिश्ता कराना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह की मर्जी होगी तो हो जाएगा, देर से सही। अगर नहीं मर्जी होगी तो आप भी कुछ नहीं कर सकती। चले तो फिर ये बात तो तय है कि आपकी भांजी का रिश्ता हो ही नहीं सकता। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हेल्प की है मेरी। खुदा हाफिज। अजीब लालची और मतलबी खातून। उस दिन आपने आली से बात की थी ना, लेकिन उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो किसी की बात ना सुनेंगे ना मानेंगे। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उनसे बात ना करे। पता है सुंबुल, निशा मेरे साथ 2 साल पढ़ी है। वो बहुत प्यारी, हम्बल और मासूम लड़की थी। मगर आलियान मुझे बहुत जिद्दी लगा है। नहीं, शायद आली जिद्दी नहीं है। हालात ने उन्हें सख्त दिल और बेरहम बना दिया है। बुरे इंसान नहीं है वो। बुरा तो उनके साथ हुआ है। रिता से बहुत मोहब्बत करते थे। रिता अपनी मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई कि एक माँ के जज्बात को भी ना समझ सकी।